आज 8 मई पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हुआ है। इंटेंस बारिश भी हुआ है। हमारा जाजपुर, केंद्रपाड़ा, थेनकनाल ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हाईएस्ट बारिश मिला है। दिराबीस 107.0 मिलीमीटर केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बारी 81.2 मिलीमीटर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ककसरा कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट में है 81.0 मिलीमीटर। चोंडीखोल 78.0, धिंदौल धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट में है 66.2 मिलीमीटर। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो था, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर सोनपुर में 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 से अबव बोध एंड टिटलागढ़ में 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। भुवनेश्वर में हमारा 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस तरह से टेम्परेचर अभी जो है मोस्टली मेनी प्लेसेस में ही थोड़ा स्वाभाविक से कम है 1-2 डिग्री करके, बाकी मोस्टली स्वाभाविक है। और अगला 5 दिन के लिए अभी जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 3 दिन ही हमारा उड़ीसा में ठंडा, कुछ कुछ जगह में ठंडा स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ हल्का से मध्यम बारिश, लाइटनिंग, तेज हवा काल वैशाखी का 30-40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। और डे फोर मीन्स हमारा 11 तारीख से 11-12 समय से हमारा थोड़ा एक्टिविटी कम होने का चांसेस है। रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा थंडरस्टॉर्म का साथ, बट 1-2 जगह में रहने का चांसेस है, थोड़ा इंटेंसिटी एरिया वाइज कम होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा जैसा वार्निंग जो है, इसमें कोस्टल उड़ीसा, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, थेनकनाल, ओंगोल, कंधमाल, कालाहंडी, नवरंगपुर, रायगढ़, मलकानगिरि, कोरापुट ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गस्टी सर्विस होने का वार्निंग है। तो हमारा डे 1, डे 2, डे 3 3 दिन ही वार्निंग कुछ कुछ एरिया में हमारा है। और मेनली डे 1, डे 2 में नॉर्थ उड़ीसा का एरिया में ज्यादा में एरिया में है, डे 3 में साउथ उड़ीसा में ज्यादा एरिया में है। और डे 5 में कोस्टल उड़ीसा, एडजोइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 जगह करके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है, बट एरिया वाइज कम रहेगा, इंटेंसिटी भी कम रहने का चांसेस है। कुल मिलाकर के 8, 9, 10 अभी 3 दिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी, गस्टी सरफेस विंड 30-40। और डे फोर डे फाइव में हमारा वार्निंग नहीं है, बट थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अगला 2 दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, 2 दिन का बाद ग्रेजुअली 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड करके मेनी प्लेसेस में राइज होने का चांसेस है, मेनली इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा भुवनेश्वर सिटी में जो है, भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी स्काई है रहेगा, इवनिंग व नाइट का तरह थंडर एक्टिविटी होने का चांसेस है, मैक्सिमम टेम्परेचर 39-40 का बीच में रहने का चांसेस है। ओके।